ये है वक्त मीडिया। दिल्ली के चांद बाग में 7 अक्टूबर 2018 को बदलाव की बयार चैरिटेबल सोसाइटी के जेर एहतमाम बताउन उर्दू एकेडमी दिल्ली एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकात किया गया। इस मौके पर दिल्ली के शायर वसलीम काशिफ और इंदौर के शायर प्रोफेसर जाकिर हुसैन जाकिर को फरोगे उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। शायर सलीम काशिफ अपने दोस्तों के साथ अपने उस्ताद इकबाल अशर की सरपरस्ती में दिल्ली की उन बस्तियों में उर्दू को फरोग दे रहे हैं जहां लोग उर्दू से दूर हो रहे हैं। शायरा चीफ गेस्ट रहे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर दिलीप पांडे, उद्घाटन किया चौधरी सुग्रीव, पूर्व निगम पार्षद ने सदर मुशायरा हाजी मोहम्मद यूनुस के साथ जलवा अफरोज रहे महबूब आलम समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर हाफिज वसीम जहांगीर आबादी और मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमाई शायर शकील बरेलवी ने। बदलाव की बयार सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं शमीम आलम। अब मैं आपको गुलशन इकबाल अशर की जानिब लेकर चलता हूँ। आपके गुलशन की यहाँ कई फूल महक रहे हैं। एक फूल ऐसा भी है जिसकी अदबी खिदमात ने चांद बाग को मुअत्तर कर दिया है। मेरी गुजारिश है जनाबे सलीम काशिफ साहब से, वहाँ अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाए। जनाबे सलीम काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए गजल के चंद अशआर पेश खिदमत। जो नक्श आपको धुंधले दिखाई देते हैं, जो नक्श आपको धुंधले दिखाई देते हैं, हमें उन्हीं में जमाने दिखाई देते हैं। जो नक्श आपको धुंधले दिखाई देते हैं, हमें उन्हीं में जमाने दिखाई देते हैं, हमें उन्हीं में जमाने दिखाई देते हैं। हमारे ख्वाब की ताबीर जाने क्या होगी, हमारे ख्वाब की ताबीर जाने क्या होगी, हमें तो ख्वाब भी धुंधले दिखाई देते हैं। हमारे ख्वाब की ताबीर जाने क्या होगी, हमारे ख्वाब की ताबीर, हमारे ख्वाब की ताबीर जाने क्या होगी, हमें तो ख्वाब भी धुंधले दिखाई देते हैं। और बुजुर्ग लोगों की शफकत भी खूब होती है। एमपी भाई बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, उस्ताद भी हमारे बुजुर्ग हैं उस्ताद के नाते से। वैसे जवान बुजुर्ग लोगों की शफकत भी खूब होती है, हम उनको आज भी बच्चे दिखाई देते हैं। बुजुर्ग लोगों की शफकत भी खूब होती है। सदा बरनी साहब भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वैसे साथी हैं। बुजुर्ग लोगों की शफकत भी खूब होती है, हम उनको आज भी बच्चे दिखाई देते हैं, हम उनको आज भी बच्चे दिखाई देते हैं। मत के तुम्हारी राह से बचकर गुजरने वाला था, तुम्हारी राह से बचकर गुजरने वाला था, मैं ये गुनाह भी इस बार करने वाला था। तुम्हारी राह से बचकर गुजरने वाला था, मैं ये गुनाह भी इस बार करने वाला था। इसीलिए तो मैं तेजाब में नहाया हूँ, इसीलिए तो मैं तेजाब में नहाया हूँ। मोहब्बतों का तेरी जख्म भरने वाला था, इसीलिए तो मैं तेजाब में नहाया हूँ। बहुत शुक्रिया। इसीलिए तो मैं तेजाम में नहाया हूँ। मोहब्बतों का तेरी जख्म भरने वाला था, और वो मेरे नाम की मेहंदी रचाने वाली थी, वो मेरे नाम की मेहंदी रचाने वाली थी। हथेलियों का मुकद्दर संवरने वाला था, वो मेरे नाम की मेहंदी रचाने वाली थी। हथेलियों का मुकद्दर संवरने वाला था, और वो मेरे खून का प्यासा ही आखरश निकला। शेर पेशे खिदमत, खास तवज्जो। वो मेरे खून का प्यासा ही आखरश निकला, मैं जिसके वास्ते एक रोज मरने वाला था। वो मेरे खून का प्यासा ही आखरश निकला, वो मेरे खून का प्यासा ही आखरश निकला, मैं जिसके वास्ते एक रोज मरने वाला था। और तेरे खुलूस ने मुझको बचा लिया वरना, तेरे खुलूस ने मुझको बचा लिया वरना,
میں زندگی سے بھی انکار کرنے والا ہوں. تیرے خلوص نے مجھ کو بچا لیا ورنہ میں زندگی سے بھی انکار کرنے والا تھا. اور مقتہ پیش خدمت میں زندگی سے بھی انکار کرنے والا تھا مقتہ پیش خدمت کے کوئی خریدنے والا نہیں ملا کاشف, کوئی خریدنے والا نہیں ملا کاشف. میں اپنے آپ کو نیلام کرنے والا تھا, کوئی خریدنے والا نہیں ملا کاشف. میں اپنے آپ کو نیلام کرنے والا. بہت شکریہ. وہ میرے خون کا پیاسا ہی آکرش نکلا, میں جس کے واسطے ایک روز مرنے والا. چلو پھر بعد میں اور دوبارہ پھر ہوگا نا. آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا, وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے, کبھی سمیلن, ناتیہ مشاعرے, جلسے, کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے. اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی. مجھے اجازت دیجیے.